गाइज कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पॉजिटिव थॉट्स में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि स्टेटस कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फ़ोटो का, खुद के फ़ोटो का एक बहुत ही अच्छा और कूल एट्रैक्टिव स्टेटस बना सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। मैं हूँ महेश सरालम और आप देख रहे हैं अपना चैनल पॉजिटिव थॉट्स। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पॉजिटिव थॉट्स में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल प्रेस द बेल आइकन ताकि नए नए अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। तो गाइज चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है एमबी। जी हाँ दोस्तों, ये प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल सकता है, मिल जाएंगे और आप ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या वरना हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे इस तरीके से। तो ओपन होने के बाद गाइस देख सकते हैं ये इस तरीके से ये ओपन होएगा पहले। तो गाइज ये ओपन होने से पहले एक छोटा सा एड आएगा दोस्तों, तो वो एड को हमें 5 सेकंड तक कट कर देना है। कट करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों ये ऐप इस तरीके से आपका खुल जाएगा। इस तरीके से खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, पॉपुलर डायलॉग्स, हिंदी लव सैड गुड बर्थडे, उसके बाद और तरीके बहुत सारे ऐसे जो है कि दोस्तों स्टेटस का ये आ रहा है स्टोरीज। तो आप देख सकते हैं पे फोटोज स्टोरीज आ रहे हैं कितने सारे आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको अगर एक बढ़िया सा बनाना है तो एक जैसे कि मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, इस तरीके से डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों इसको ऐसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों एक छोटा सा ऐड आएगा। तो गाइस ये ऐड थोड़ा सा आएगा दोस्तों, ऐड आने के बाद यहाँ से हम लोग कट कर देंगे। कट होने के बाद दोस्तों आपका ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद दोस्त देख सकते हैं दोस्तों कि आपका इस तरीके का स्टेटस बनेगा, ये आपका जो फ़ोटो का स्टेटस बनेगा। तो दोस्तों हमको अपना फ़ोटो का बनाना है तो हम पहले इस तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है गैलरी का ऑप्शन एक, तो गैलरी में हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों। गैलरी में क्लिक होने के बाद यहाँ से अपना एक फ़ोटो ले लेना है दोस्तों। आप बहुत सारा फ़ोटो भी ले सकते हैं दोस्तों, 5, 6, 7, 8, तो इस तरीके से आप फ़ोटो ले सकते हैं। और लेने के बाद दोस्तों यहाँ से ओके कर देना है। और ओके होने के बाद दोस्तों फिर से एक छोटा सा ऐड आएगा, तो वो ऐड आने तक तो गाइस ऐड को इस तरीके से हम लोग यहाँ से क्लिक कर कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका फ़ोटो आ गया है। आप चाहे तो यहाँ से इसका जो डीप आ रहा है दोस्तों, इसका जो ये बढ़ रहा है, ये यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। इसको फुल कर देना है इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से फुल कर देना है। दोनों को फुल करेंगे दोस्तों आपका जो ये म्यूज़िक है, म्यूज़िक के हिसाब से ये ज़्यादा मतलब इस तरीके से हिलेगा। तो ये हिलने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल लिखा हुआ है यहाँ से, मतलब इस तरीके का आप लोगो इसका जो कि चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लव मून इस तरीके का। तो चलिए दोस्तों मैं यही रख लेता हूँ। यहाँ से आप बहुत सारा ढेर सारा बर्थडे का है, लव का है, न्यून का है, गुड है, बेबी है, विश, स्पोर्ट्स, ट्रेवल है, फेस्टिवल है, पैट्रियोटिक है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं। आप चाहते हैं अगर दोस्तों कि मैं गाना चेंज करूँ तो गाना चेंज करने यहाँ पे देख सकते हैं ऐड म्यूजिक का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से ऐड म्यूजिक में जाएंगे। ऐड म्यूजिक में जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप गाना क्लिक कर सकते हैं। गाना सुनने के बाद यहाँ से यूज में क्लिक कर देना है। यूज में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं फिल्टर का ऑप्शन। फिल्टर बोले तो दोस्तों आपका फ़ोटो का जो इस तरीके से आपका फिल्टर दिखाएगा, देख सकते हैं एनिमेशन है दोस्तों, आपको फोटो का इस तरीके का एनिमेशन ये दिखाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एडिट टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे नाम उम देना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे नाम देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये मेरा जो ये है इसमें नाम लिखने वाला नहीं आ रहा है, आप दूसरा यहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से आप नाम देख सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक, चलिए मैं ये ले लेता हूँ, चलिए मैं ये ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ से आप नाम लिख सकते हैं, नाम लिख लेंगे दोस्तों आप। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है दोस्तों जिसका स्टेटस आप बनाते हैं और उसमें एड उसका जो लोगो है वो आ जाता है दोस्तों। तो उस लोगो को हटाने के लिए हम लोग इस ऐप में वो लोगो हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं दोस्तों। अगर हम हटाना चाहते हैं तो बिल्कुल हटा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एमबिट का, एमबिट म्यूजिक का वो लोगो आ जाता है। अगर हम इसे सेव करते हैं दोस्तों तो ये इसका लोगो आ जाएगा। तो अगर इसे रिमूव करना है दोस्तों सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं वॉच वीडियो, वॉच वीडियो अगर यहाँ से वॉच वीडियो करते हैं दोस्तों तो एक मतलब 15 से 20 सेकंड का आपको एड दिखाएगा। एड दिखाने के बाद दोस्तों ये लोगो खुद ब खुद हट जाएगा। तो ये इस तरीके से हट जाएगा दोस्तों। हटने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर सेव का बटन आ रहा है, यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना है। सेव में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपको, HD 720 पिक्सल का, स्टैंडर्ड 480p का और बेसिक 320p का।
तो दोस्तों हम लोग अच्छा अगर हम स्टेटस दिखाना चाहते हैं एचडी में करेंगे डाउनलोड, तो एचडी में 720 में कर लेते हैं दोस्तों। 720 में करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरा 100 होगा। तो चलिए दोस्तों मेरा 100 हो गया है। 100% होने के बाद दोस्तों आप जो है कि इस तरीके से एक छोटा सा एड आएगा, बार बार ये एड आते रहता है दोस्तों, जैसे कि काम करेंगे एड आ जाएगा दोस्तों। तो एड को सिंपली हम लोग कट कर देना है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो है कि स्टेटस बन के रेडी हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ से व्हाट्सएप पर किसी पे को शेयर भी कर सकते हैं, चाहे तो फेसबुक का स्टेटस में रख सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मोर का भी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। तो गाइज कैसा रहा वीडियो दोस्तों, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। सो थैंक्स।